हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनदर टॉपिक रिलेटेड टू फिजिकल सिक्योरिटी और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, राइट। और टॉपिक का नाम है फेल सेफ एंड फेल सिक्योर। अगर आप फिजिकल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years और अगर आप ऑटोमेशन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो मे बी आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, फेल सेफ और फेल सिक्योर। और अगर नहीं सुनी है तो नो प्रॉब्लम, हम आज यही बात करने वाले हैं कि फेल सेफ और फेल सिक्योर आखिर है क्या और कहाँ पे यूज़ होता है और इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स में, एक्सेस कंट्रोल में, राइट। तो सबसे पहले फेल सेफ एंड फेल सिक्योर ऐसी दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो एक स्पेसिफिक ऑटोमेशन जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का एक पार्ट है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल, राइट। जब भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल की बात आएगी वहां पे फेल सेफ, राइट, कौन सा फेल सेफ एंड फेल सिक्योर, ये दो टर्मिनोलॉजी जरूर सामने आएंगी। और अगर आपको ये नहीं पता होंगी देन आपको आगे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इफेक्टिवली आप वो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फेल से फेल सिक्योर जुड़ी हुई है एक्सेस कंट्रोल के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यही है जो इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेल सेफ एंड फेल सिक्योर, तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू एक्सेस कंट्रोल, राइट। तो एक्सेस कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई हैं ये दो टर्मिनोलॉजीज, फेल सेफ एंड फेल सिक्योर। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फेल सेफ और फेल सिक्योर क्या मतलब क्या है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये जो फेल वर्ड है, राइट, इसको भूल जाओ, सिर्फ दो ही चीजों को याद रखिए, सेफ एंड सिक्योर, राइट। तो अब सेफ एंड सिक्योर, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, सेफ एंड सिक्योर। आप सेफ्टी और सिक्योरिटी से क्या समझते हैं, यानी कि आप सेफ और सिक्योर इन दो टर्मिनोलॉजीज से क्या समझते हैं। सेफ मतलब क्या है, सेफ मतलब है कि एनी प्लेस, राइट, कोई भी एक जगह जो सेफ है पूरी तरह, एनी काइंड ऑफ हजार्डस मटीरियल, राइट, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बोलेंगे सेफ प्लेस। और सिक्योर क्या है, सिक्योर प्लेस वो है जहां पे किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है, समझ गए, अनऑथराइज्ड एक्सेस। जिस प्लेस में आप किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो प्लेस सिक्योर है। और सेफ क्या है, जहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, राइट, और उसको हम बोलेंगे सेफ, यानी कि आपके सिर के ऊपर, आपके पांव, आपके जो भी आप जहां चल रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वो बिल्कुल सेफ एरिया है, राइट, वहां पे कोई डर नहीं है, कोई जान जाने का खतरा नहीं है, उसको हम बोलेंगे सेफ एंड सिक्योर। अब सेफ एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल में किस तरह से जुड़े हुए हैं, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में एक चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज, राइट। ये फ्यूज क्या है, राइट, फ्यूज क्या है और इसका क्या काम है, इसी का हम एग्जाम्पल लेके इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल को भी समझेंगे। तो फ्यूज क्या करता है, राइट, देखो पहले तो मैं आपको फेल सेफ और फेल सिक्योर का थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना, फिर हम बात करते हैं कि फ्यूज का क्या काम है यहाँ पे, राइट। देखो फेल सेफ का मतलब, जो फेल सेफ है इसका मतलब है कि अगर कोई डिवाइस अपने काम करने में फेल हो जाता है तो उससे किसी को नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्यूज है जो आपके टीवी के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस फ्यूज का काम क्या है, बाय चांस अगर यहां से जो पावर सोर्स है इसका, जहां से पावर आ रही है, वो एकदम से हाई हो जाता है, 240 वोल्ट से 400 वोल्ट चला जाता है अगर वो, तो क्या होगा, ये फ्यूज जो है ये डैमेज हो जाएगा। अब फ्यूज का काम क्या है,
करंट को कंटिन्यू रखना, लेकिन जैसा ही करंट बढ़ेगा तो वो अपना काम करना बंद कर देगा, यानी कि वो करंट की पावर सप्लाई जो टीवी में जा रही है उसको कट कर देगा, जिससे क्या होगा कि फ्यूज़ खुद डैमेज हो जाएगा लेकिन आपकी टीवी को डैमेज नहीं होने देगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फेल सेफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? फेल सेफ, कि अगर वो चीज़ फेल हो गई तो भी उसके साथ जुड़ी हुई चीजें जो है वो सेफ रहेंगी, राइट। दिस इज कॉल्ड फेल सेफ। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल में फेल सेफ कैसे काम करेगा वो हम समझ लेते हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके एक्सेस कंट्रोल यानी कि डोर या डोर में लगा हुआ है, राइट। इस डोर के में क्या आ रही है? पावर सप्लाई, जो उस लॉक को एनर्जी दे रही है, राइट। और दूसरा आ रहा है उसमें आपके सेंसर या कंट्रोल, जो भी उसका सर्किट है, राइट। वो सर्किट क्या करता है, किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना, वो डिफाइन करेगा, राइट। तो अगर आपका डोर फेल सेफ होगा, इसका मतलब है कि जैसे ही ये पावर कट होगी, यानी कि जो भी पावर इसमें आ रही है वो कट हो जाएगी, तो आपका जो डोर है वो फ्री हो जाएगा, वहां पे आपके इस सर्किट का कोई रोल नहीं रह जाएगा, यानी कि फ्री एक्सेस दे देगा वो किसी को भी। तो फेल सेफ का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ फेलियर, इन केस ऑफ फेलियर, अब फेलियर किस किस का होगा? पावर का। अगर पावर फेल हो गई उस डिवाइस की, तो क्या होगा, उसको उस डोर में फ्री एक्सेस मिलेगा, किसी को भी आने जाने का रास्ता फ्री हो जाएगा। दूसरा, अगर वहाँ पे फायर डिटेक्ट होती है, अगर आपकी बिल्डिंग में फायर सेंसर्स लगे हैं और वो फायर सेंसर्स आपके इस कंट्रोलिंग सर्किट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही वो फायर सेंसर फायर को सेंस करेगा, वो इस सर्किट को सिग्नल देगा कि भाई इसकी पावर सप्लाई कट कर दो, तो वो क्या करेगा, इसकी पावर सप्लाई को यहाँ से कट कर देगा, जिससे क्या हुआ है, डोर फ्री हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फेल सेफ। तीसरा, अगर आपकी बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है, इसका मतलब क्या कि वहां पे सिस्मिक या वाइब्रेशन या कोई भी ऐसे सेंसर लगे हैं जो ये डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई बिल्डिंग में कुछ वाइब्रेशंस हो रही है या अर्थक्वेक आ रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशंस में वो सेम क्या करेगा, आपकी इस सर्किट को सिग्नल देगा कि भाई ये जो वाइब्रेशन हमने डिटेक्ट करी है ये मे बी अर्थक्वेक हो सकती है, तो प्लीज आप इसकी पावर सप्लाई को कट कर दो, ताकि जो लोग यहाँ से इवैक्यूएट होंगे तो वो आराम से इस डोर से बाहर जा सकेंगे। इसका मतलब क्या है कि फेल सेफ खास करके उन जगहों पर लगा जाता है जहां से किसी को फ्री एग्जिट देना हो, एंट्री नहीं एग्जिट, यानी कि फेल सेफ रिलेटेड टू एग्जिट, और वो भी कौन सा, सेफ एंड इजी एग्जिट। किस कंडीशन में? इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो यानी कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेल सेफ, इसका मतलब है कि फेल सेफ्स आर दोज इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस व्हिच प्रोवाइड्स फ्री एग्जिट इन केस ऑफ पावर फेलियर, इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर, राइट। तो ये आंसर होगा आपका फेल सेफ का। अब इसके ऑपोजिट आता है फेल सिक्योर। तो फेल सिक्योर आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल ऑपोजिट है इसके। फेल सिक्योर क्या काम करेगा, तो समझ लेते हैं उसको भी। अब बात आ गई हमारे फेल सिक्योर। देखो, फेल सेफ क्या करता था कि फ्री एक्सेस दे देगा किसी को भी बाहर जाने के लिए, लेकिन उसमें इसका मतलब है कि अगर कोई बाहर जा रहा है फ्रीली तो वो अंदर भी आ सकता है फ्रीली। ये है फेल सेफ का एक ड्रॉबैक। तो फेल सेफ का ड्रॉबैक क्या है कि अगर कोई आदमी फ्री एग्जिट ले सकता है उस डोर से, तो वो फ्री एंट्री भी ले सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, राइट। इसका मतलब है कि अगर किसी ने फॉल्स अलार्म जनरेट कर दिया, किसी ने अगर फॉल्स फायर अलार्म जनरेट कर दिया, फॉल्स फायर अलार्म, राइट, तो उससे क्या होगा, आपके सारे जितने भी एग्जिट डोर थे वो फ्री हो जाएंगे, और जो मिस्क्रिएंट्स हैं, जो भी प्रोफेशनल हैं, वो क्या करेंगे, फ्री एक्सेस ले लेंगे उस बिल्डिंग में, राइट।
तो फ्री एक्सेस मिल जाएगा आपकी बिल्डिंग में कब, अगर आपके डोर में फेल सेफ लगा है और किसी ने फेक अलार्म जनरेट कर दिया, राइट। लेकिन अगर फेल सिक्योर है तो उससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि आपकी एक ये बिल्डिंग है, राइट, इसके अंदर एक डेटा सेंटर है, राइट, ये है आपका डेटा सेंटर और ये है उस बिल्डिंग का मेन डोर, मेन डोर। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी दरवाजे होंगे जहां से लोग मोस्टली एग्जिट होते हैं, बिल्डिंग से इवैक्यूएट होते हैं, वहां पे हमेशा क्या लगेगा, फेल सेफ। तो मेन डोर में आपने लगा दिया है फेल सेफ, राइट। लेकिन अगर आप डेटा सेंटर का जो डोर है, जो ये दरवाजा है डेटा सेंटर का, अगर आप इसमें भी फेल सेफ लगा देते तो क्या होगा, जैसे ही कोई पावर कट होगी या अलार्म आएगा तो आपके ये डेटा सेंटर वाले दरवाजे भी इन और आउट बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि जो आदमी डेटा सेंटर के अंदर फंसा हुआ है, राइट, वो उस कंडीशन में बाहर आ जाए, इमरजेंसी की कंडीशन में उसको एक्सेस मिल जाए, लेकिन कोई भी उस कंडीशन में फ्री एक्सेस नहीं ले पाए अंदर। अगर उसको अंदर जाना है तो उसके पास ऑथराइज्ड एक्सेस कंट्रोल कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके बिना वो उस दरवाजे को बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब फेल सिक्योर का मतलब क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हुई, किसी ने पावर कट करी, कोई फायर अलार्म हुआ या कोई भी अर्थक्वेक कंडीशन है, उस केस में आपको अंदर से बाहर फ्री एक्सेस मिलेगा, लेकिन आपको बाहर से अंदर कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या हो गया कि फेल सिक्योर क्या होते हैं, वन साइड हमेशा इसकी सिक्योर रहेगी और वो कौन सी है, आउटर साइड। जो बाहर की साइड उसका एक्सेस कंट्रोल डिवाइस है वो हमेशा सिक्योर रहेगा, इसका मतलब किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये आपको जब भी बिल्डिंग आप डिज़ाइन करते हैं, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से डोर में आपको फेल सेफ लगाना है और कौन से डोर में आपको फेल सिक्योर लगाना है और कौन से में फेल सेफ, राइट। तो ये था फेल सेफ और फेल सिक्योर। तो फेल सिक्योर में आपकी क्या डेफिनेशन होगी, फेल सिक्योर आर दोज इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस विच प्रोवाइड्स फ्री एग्जिट, विच प्रोवाइड्स फ्री एग्जिट ड्यूरिंग द इमरजेंसी बट नीड वैलिड और ऑथराइज्ड एक्सेस कंट्रोल आईडी प्रूफ टू गेट एक्सेस इनटू दैट बिल्डिंग। ये आपकी सिंपल डिवाइस, सिंपल भाषा में आप इसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये फेल सेफ और फेल सिक्योर का जो डिफरेंस है ये समझ आ गया होगा। और जाने से पहले मैं आपको दोबारा बताता हूं कि फेल सेफ वो डिवाइसेस हैं, कौन से हैं फेल सेफ, अगर आपको समझ आ गया है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए कि यस आपको समझ आ गया है। तो फेल सेफ कौन से हैं, जो आपको, मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो आपको फ्री एक्सेस और फ्री एग्जिट यानी कि एंट्री और एग्जिट दे देंगे जब कोई भी इमरजेंसी होगी, पावर सप्लाई कट होगी, राइट, और या कोई फायर अलार्म होगा। लेकिन फेल सिक्योर क्या होगा, ये सिर्फ आपको क्या करेगा, फ्री एग्जिट देगा, एंट्री नहीं देगा। एंट्री में आपको वैलिड आईडी प्रूफ देना ही पड़ेगा, राइट। तो जाने से पहले आपको एक छोटा सा सवाल देकर जाता हूं कि आपको ये पता करना है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लॉक फेल सेफ है या फेल सिक्योर, फेल सेफ और फेल सिक्योर। आप गूगल करिए, आप नेट पे सर्च करिए, कुछ भी करिए, आपको पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक क्या है, इज इट अ फेल सेफ और फेल सिक्योर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक के बारे में ही बात करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन सिक्योरिटी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इफ यू आर ए कॉर्पोरेट गाय देन जस्ट लाइक मी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।